Hello friends, my name is Avni Agrawal and I am part of Imp Expert. Imp Expert is an institution which teaches import-export ka courses to entrepreneurs, to importer, to exporter or koi housewife hai, koi student hai, jinko apna khud ka import ya export business shuru karna hai, to hum un logo ko across India training provide karte hai. Due to this COVID-19 situation, we have also started online training program. आप हमारी website visit कर सकते हो और आप हमारे training program के साथ जुड़ सकते हो. So let us convert this lockdown period into learning period. आज के video में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ export incentives के बारे में. उससे पहले थोड़ा मुझे brief करना है post COVID-19 और COVID-19 सिचुएशन के बाहर आने के बाद इंडिया का क्या फ्यूचर हो सकता है. हम अभी ये सिचुएशन में जो सरवाइव कर रहे हैं वो हमने कभी भी प्लान नहीं किया था. नॉर्मली एंटरप्रेन्योर्स प्लान ए और प्लान बी बना के ही रखते हैं इफ़ दे आर फेसिंग एनी क्राइसिस. बट ये सिचुएशन में COVID-19 के बाद क्या होने वाला है उसका किसी के पास प्लान नहीं था. वी ऑल आर अंडर सरप्राइज व्हाट टू डू इन फ्यूचर. जैसे हम सबको पता है वर्ल्ड के हर एक कंट्रीज अपना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज चाइना से शिफ्ट करके अलग अलग कंट्री में डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे आफ्टर दिस सिचुएशन. सो इंडिया विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर ऑल द कंट्री. सो हमें क्या करना है बिफोर ऑल दिस कंट्री विल कम टू इंडिया. हमें प्रिपेयर होना है हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए. तो इसके लिए हमें काफ़ी सारी चीज़ करनी पड़ेगी. अगर आप सब लोग एक्सपोर्ट ऑलरेडी करते हो तो दी बेस्ट, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपके पास बहुत सारे नए नए अपॉर्चुनिटीज आने वाले हैं. और अगर आप लोग अभी तक एक्सपोर्ट नहीं करते, आपने सोचा था कि मे बी 6 महीने के बाद आप करोगे, मे बी आफ्टर अ ईयर यू विल प्लान, तो आप अभी से अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह शुरू करवा दो so that you can get the maximum benefits once this situation will come to back to normal. तो आज के वीडियो में बात करूंगी export incentives के बारे में. Foreign trade policy में जो export incentives दिए गए थे, जो हमारा foreign trade policy 1 अप्रैल 2020 को रिन्यू होने वाला था, वो भी एक और साल FTP एक्सटेंड हो चुका है. तो जितने भी स्कीम्स से उसमें कुछ अपडेट्स है, कुछ स्कीम में कुछ चेंजेस है, उसके बारे में आपके साथ आज बात करूंगी. सबसे पहला स्कीम है EPCG, दैट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑन कैपिटल गुड्स. वंस ऑल द सिचुएशन विल कम टू नॉर्मल लेवल, सब बिजनेस रूटीन बिजनेस में कन्वर्ट हो जाएगा, तब कंपनीज अपने नए नए मशीनरीज इंपोर्ट करने का शुरू करेगी. और अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी यू नीड टेक्नोलॉजी, आपको कुछ कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करने पड़ेंगे. तो गवर्नमेंट ने ये EPCG का स्कीम कंटिन्यू रखा है टिल 31st March 2021. सो यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ द कैपिटल गुड्स इम्पोर्ट, जिसमें आपको कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं पे करनी है. आप इम्पोर्ट कर सकते हो कैपिटल गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी, और उसके अगेंस्ट जितनी इम्पोर्ट ड्यूटी आपने सेव की है वो आपको 6 times 6 years में एक्सपोर्ट करनी है. सेकेंड स्कीम है एडवांस ऑथराइजेशन, दैट इज द सेम स्कीम जस्ट लाइक EPCG, जिसमें आपको रॉ मटेरियल पे फोकस करना है. इफ़ यू आर इन सच इंडस्ट्री जिसमें आपको कुछ रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है टू प्रोड्यूस योर फिनिश गुड्स, ये सिचुएशन में आप रॉ मटेरियल इम्पोर्ट कर सकते हो विदाउट पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी. बट अगेंस्ट दैट यू नीड टू डू वैल्यू एडिशन इन योर गुड्स वैल्यू, और उसके बाद आपको उसको एक्सपोर्ट करना है. ये स्कीम भी वैलिड है टिल 31st March 2021. सो गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन गवर्नमेंट ने ये स्कीम्स एक्सटेंड किए हैं, और मे बी ये स्कीम्स में और सपोर्ट भी ऐड किए जा सकते हैं इन कमिंग डेज. नेक्स्ट स्कीम है MEIS. MEIS इज वन ऑफ द मोस्ट यूज स्कीम जिसमें आप सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकते हो इफ़ यू आर मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर, और अगर आप सर्विसेज एक्सपोर्टर हो तो आप SEIS, दैट इज सर्विसेज एक्सपोर्ट का बेनिफिट भी ले सकते हो.
उसके बाद का जो स्कीम है दैट इज TMA, ये स्कीम स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर कॉमोडिटी के एक्सपोर्टर्स के लिए बनाया हुआ है। सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नीचे प्रोवाइड कर रही हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स के प्रोडक्ट को ये स्कीम्स के बेनिफिट मिल सकते हैं। नाउ दिस स्कीम वॉज अवेलेबल टिल 2020 अप्रैल, बट गवर्नमेंट ने इसको भी एक्सटेंड करके दिया हुआ है, आप इसका भी एडवांटेज ले सकते हो। और जो नेक्स्ट स्कीम है, फिफ्थ स्कीम जिसके बारे में बात करूंगी, दैट इज स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट। अगर आप एक्सपोर्टर हो फर्स्ट कैटेगरी के, दैट इज 1 star, 2 star, 3 star और 5 star, अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर स्टार के अकॉर्डिंगली मैच होता है तो भी आप ये स्कीम्स के बेनिफिट ले सकते हो। ये बेनिफिट पहले 2020 अप्रैल तक ही था, बट इसको भी एक और साल बढ़ा दिया गया है। ये स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट लेने के बाद आपको बहुत सारे एडवांटेज दिए जाते हैं रिगार्डिंग इंपोर्ट, रिगार्डिंग एक्सपोर्ट, और अगर आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं विदाउट एडवांस पेमेंट। ये स्कीम लेने के बाद आपको काफ़ी सारे एडवांटेजेस मिल सकते हैं रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स, यू मे गेट सम लिबरलाइजेशन, और आप स्टेटस होल्डर एक्सपोर्टर भी बन सकते हो। सो हियर आई एम एंडिंग माई वीडियो ऑन एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। आप अगर एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हो तो कम एंड ज्वाइन अवर ट्रेनिंग प्रोग्राम। वी विल टीच ऑल द बेनिफिट्स इन डिटेल एंड ऑल्सो वी विल टीच यू हाउ टू प्रोसीड टू गेट दिस बेनिफिट्स फ्रॉम द DGFT। थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर YouTube चैनल। वी विल कीप ऑन पोस्टिंग न्यू वीडियोज़ ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस फॉर योर ग्रोथ। थैंक यू।